हेलो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ इस बार नेहरू पार्क घुमाने के लिए। ये वाला पार्क जो है 1900 कितने बना था भाई, 1967 था बना था बस। हाँ, मतलब ये हमारे यहाँ के फर्स्ट प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पर रखा गया है। और इसी के आसपास आपको गांधी जी की स्मृति भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, और नेहरू पार्क पहुँचने के लिए कौन सा मेट्रो स्टेशन पास पड़ेगा और कहाँ पर पड़ता है सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहना पूरे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा नेहरू पार्क, घुमाते हैं यहाँ का। तो गाइस फाइनली हम नेहरू पार्क पहुंच चुके हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये नेहरू पार्क का साइन बोर्ड और ये है मेन एंट्रेंस। अब इसके अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि नेहरू पार्क के एंट्रेंस में हमें कुछ फूल के पेड़ वगैरह नजर आ रहे हैं। जैसे आप नेहरू पार्क में एंटर करते हो तो यहाँ पर आपको है जो है कार पार्किंग वाला एरिया मिल जाएगा, और उसी के जस्ट वहाँ पर कुछ बढ़िया बढ़िया फूल वाले पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर आप अपने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर भी बने हुए हैं। अब बाकी यहाँ के पार्किंग के बारे में बताओ तो यहाँ के पार्किंग बिल्कुल मुफ्त है, और ये भाई भी अपनी पार्किंग करने आए हैं 11 नंबर की बस। तो आज मैं लंबे बाल वाले भाई को लेकर आया हूँ घुमाने के लिए। तो चलिए चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या बना हुआ है। वैसे शुरुआत में यहाँ पे हमें फवारा वाला देखने को मिलेगा, लेकिन अभी मैं भी बंद है। बाकी जैसे ही ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का सीन कैसा और नज़ारा कैसा होता है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल नेहरू पार्क के टाइमिंग्स एंड रूल रेगुलेशन के पास। यहां पर क्या करना अलाव है क्या नहीं है, बाकी इसका अगर ओपन मतलब सुबह के 5 बजे से रात के 8 बजे तो खुला रहता है, और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर और मार्च 6 बजे समर विंटर जो भी है यार टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एंट्रेंस में यहाँ पर आप एक जंगल देख सकते हो, बड़े अजीब से पेड़ हैं, सारे के सारे पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कारपेट रोड पर चलना है। मैं समझ गया, रेड कारपेट रोड है ये हमें सुपरस्टार वाली फील देने के लिए लगाया मतलब बनाया गया है, ठीक है। और देख जब हम चल रहे हैं ना कितना स्मूथ मतलब वो फील हो रहा है, देख गुदगुदा सा फील हो रहा है पूरा। और दोस्तों ऊपर देख सकते हो घने बादल छाए हुए हैं, कब बरसात हो जाए और हम कब डूब जाए पता नहीं। वहाँ पर कुछ हमें दिख रहा है, ये देखो कुछ तगड़ा दिख रहा है हमें, वहाँ तक चलते हैं। और ये आप देख सकते हो पत्ते वाले फूल। तो गाइस नेहरू पार्क का लोकेशन की बात करो तो ये रामनगर चाणक्यपुरी में पड़ता है, और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका दुर्गाबाई साउथ कैंपस। आपको यहाँ आने के लिए दुर्गाबाई साउथ कैंपस का मेट्रो लेना पड़ेगा, और यहाँ पर पहुँचने के लिए वहाँ से करीबन 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है ये पार्क। तो आप शेयरिंग ऑटो लेकर भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो खजूर के हैं या नारियल के पेड़ है, इसके जो व्यू है ना बीच से निकलते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आकर आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं, ये एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। बाकी यहाँ पर एक पत्थर का टीले टाइप का कुछ बना रखा है, इस पर भी अभी जाएंगे, फिलहाल के लिए अभी हम रेस्ट पर बैठ सकते हो। हम पीछे ये जो अभी दिखाया था पत्थर का टीला वो बना हुआ है, यहाँ पर हम सारे रेस्ट कर रहे हैं बैठ कर। और यहाँ पे आके आप ये पहाड़ियाँ दिख रहे हैं, इस पे आके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुमते हैं आप, मजे आनंद ले सकते। तो चलिए दोस्तों आपको पहाड़ वाला इलाका दिखा जाए, ओ ये पत्थर का टीला, ये वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, और ये है वो पत्थर का टीला। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तमिल भाषा में, तमिल तेलुगु जो भी भाषा है उसमें कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, पत्थरों को काट कर बनाया गया जो ये तमिल में यहाँ लिखा हुआ है तमिल या तेलुगु, वहाँ पर यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट किया गया। तो ये हमें दिख रहा है, आप बाकी पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है।
इन्हीं पत्थरों के टीले के सामने आपको मिल जाएगा नेहरू पार्क के मेन अट्रैक्शन जो कि है फ्लावर गार्डन या बटरफ्लाई गार्डन आप कह सकते हो, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको इसका नज़ारा एक दिखाते हैं व्यू। घूमते घूमते हम कहाँ पहुँच गए, बच्चों के झूले के पास, जहाँ पर मल्टी टाइप्स के और झूले मिल जाएंगे जिसमें आपको एक्सरसाइज योगा वगैरह कर सकते हैं। उठियो, कितना उठ रहे हैं, उठ जा उठ जा उठ जा उठ। ये बात लोंडे, ये बात करता रह, रुकनी नहीं चाहिए, करता रह, कर। कैसा लगा? देखा वो, देख बैल, ये देख बैल, बैल का ढांचा बना रखा है यहाँ पे। बैल है या हिरन है? बैल है या हिरन है ये? और यहाँ पर ये देख पत्थरों का घर बना रखे हैं, और ये पत्थरों का जंगल। तो दोस्तों इतना देर से हम घूम रहे हैं, ये पूरा जंगल घूम लिए जो कि 80 एकड़ में फैला हुआ है। ओह माय गॉड, 80 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन अभी तक हमें फवारा नहीं मिला है कहाँ पे लगा हुआ है ये। लेकिन सामने उस साइड हाँ, वहाँ एक गार्डन है, वहाँ चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको कैसा फूल है। बाकी यहाँ पर रेड फूलों का मजे लीजिए, तब तक एक साइड आप फैमिली पिकनिक मना सकते हैं, दूसरी साइड अपने जानों को लेकर बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही इधर भी है सेम हर जगह पे ऐसे ही है। और ये वैसे फेमस पार्क इस वजह से क्योंकि यहाँ के नियरेस्ट में जो भी लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर आके योगा हो गया, जॉगिंग हो गया, बाकी चीजें यहाँ पर करते हैं। तो इतना कुछ वो नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं प्यार बांटा जा रहा है, दूध निकाली जा रही है। अच्छा, मुझे लगा प्यार बांटा जा रहा है। देख गार्डन के शांत वातावरण में अशांति ना फैलाएं। तो गाइस यहाँ पे जोड़ी वाला रेस होने वाला है, आप यहाँ पर जोड़ी का रेस देख सकते हो। पैरों पे एक एक पैर बंधा हुआ है सबके, रेस में भाग लेने के लिए तैयार। वैसे ये साउथ साइड के हैं इसलिए उनका लैंग्वेज इस टाइप का है, पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा इनका साउंड। बाकी देखते हैं स्टार्ट हो रहा है मैच। मजा आया, काफी अच्छा रेस था इनका। विनर तो नहीं पता चले, लेकिन आंटी गिर गई, आंटी या भाभी जो भी है वो गिर गई। तो अब हम पहुंच गए हैं बैठक वाले एरिया पे, जहां पर आपको सफेद कलर के बेंचेस नजर आएंगे। यहां पर यार बहुत दूर है ये तो।
तो गाइज हम फाइनली पहुंच तो गए यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फवारा वाला एरिया है ये अभी बंद है, क्योंकि अभी 5 नहीं बजे हैं। देख सकते हैं टाइमिंग अभी बज रहे हैं 4:30, ये 5 बजे का टाइमिंग दे रखा है यहाँ पर चलने का। तो जब स्टार्ट होगा तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसा सीन नज़र आता है, नज़ारा कैसा होगा, बाकी दिखाते हैं। अभी आपको वहाँ का एक व्यू दिखा दूँगा कैसे क्या क्या बना हुआ है, तो उसके बाद फिर आपको एक फवारा वाला शॉट दिखाऊंगा रात के टाइम का। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं फाउंटेन वाले स्टेज के पास। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी इन पानियों के अंदर। बाकी यहाँ पर फाउंटेन शाम के टाइम चलेगा, अभी 5 बजे का टाइम है। आपको टाइम अभी दिखाया था लेकिन अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है तो अभी चल नहीं रहा है। बाकी शाम को दिखाता हूँ यहाँ पर फवारा चलते हुए, आप मछलियों को देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं। आप इन्जॉय करें, तब तक मिलते हैं हम। तो गाइज़ हमने आपको पूरा नेहरू पार्क घुमा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आसपास का कोई बढ़िया सा जगह आपको मालूम है तो कमेंट पे ज़रूर वो कर मेंशन करना, हम वहां पर जाकर आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। बाकी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी इन चूतियों के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाई टाई, बाय बाय। रुको रुको गाइज, अभी हमारा जो फवारे वाला फुटेज है वो अभी आपको देखने को मिलेगा, तो उसको देखकर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर करना कमेंट।